दोस्तों, अगर आप कैस्पर्सकी एंडपॉइंट सिक्योरिटी के यूजर्स हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। एंडपॉइंट सिक्योरिटी ने अपने रेगुलर कस्टमर्स के लिए और न्यू कस्टमर्स के लिए एक ऑफर निकाला है कि अगर आप कैस्पर्सकी एंडपॉइंट सिक्योरिटी का 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एडिशनल 6 मंथ फ्री दिया जाएगा, और अगर 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा। मतलब अगर 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप खरीदते हैं तो आपको टोटल 18 महीने का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा, और अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आपका जो लाइसेंस जो वैलिडिटी होगी वो टोटल 3 ईयर्स होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह और आप देख रहे हैं टेक ओमेगा चैनल, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे सब्सक्रिप्शंस की। तो ये अभी हाल ही में एक मेल आया जिसमें दिया है कि जो कैस्पर्सकी ने 16 अक्टूबर से 20 दिसंबर तक जो भी इनके यूजर्स हैं एंडपॉइंट सिक्योरिटी और बिजनेस सेगमेंट से रिलेटेड जितने भी यूजर्स हैं, अगर वो 2 ईयर्स के लिए अपना सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं तो उनको जो 3rd ईयर का रिन्यूअल है वो फ्री दिया जाएगा। साथ ही अगर 1 ईयर के लिए कोई सब्सक्रिप्शन को परचेस करता है तो उसको एडिशनल 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन या वैलिडिटी जो है फ्री दी जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं, एंडपॉइंट सिक्योरिटी मोस्ट टेस्टेड, मोस्ट ट्रस्टेड और अवॉर्डेड एक एंटीवायरस प्रोग्राम है जो कि होम यूजर्स और बिजनेस यूजर्स के लिए अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को बना चुका है, और ये सन 2013 से लेकर 2017 तक कंटिन्यू अवार्ड और अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस देता आया है। इसके साथ ही जो इसके कुछ फीचर्स हैं, आइए इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। एंडपॉइंट सिक्योरिटी फॉर बिजनेस में हम देखते हैं कि ये पूरी तरीके से एक कंप्लीट सूट है, और इसमें सिंगल सूट है जिसमें आपको सभी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी, एंटी मॉलवेयर, स्टैटिक मशीन लर्निंग, डायनामिक मशीन लर्निंग, प्रोसेस आइसोलेशन, फायरवॉल सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, फायरवॉल मैनेजमेंट सिस्टम है, क्लाउड बेस्ड असिस्टेंट प्रोटेक्शन है, इसमें इंटीग्रेटेड ADR एजेंट है जो कि एक नया इसमें फीचर्स लॉन्च किया है, एप्लीकेशन बेस्ड कंट्रोल सिस्टम है, डायनामिक वाइट लिस्टिंग सिस्टम्स है, और वेब कंट्रोल है, वेब के थ्रू आप इसको कहीं से भी एक्सेस या कंट्रोल कर सकते हैं, डिवाइस कंट्रोल सिस्टम है इसमें। इसके अलावा सर्वर प्रोटेक्शंस है। इसके बाद इसमें एंटरप्राइज मोबाइल मैनेजमेंट सिस्टम है जिससे कि आप जितने भी अपने मोबाइल्स हैं या कॉर्पोरेट मोबाइल्स यूज़र हैं जिनको मोबाइल प्रोवाइड किया है, आप उनको भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ इसका जो डैशबोर्ड है या रिपोर्टिंग सिस्टम है, बहुत ही शानदार सिस्टम है। फीचर्स के अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्शन एंड कंट्रोल फॉर एवरी एंड पॉइंट। इसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि मैनेजमेंट कंसोल। मैनेजमेंट कंसोल में हम देखते हैं कि यह एक सिंगल पैन ऑफ ग्लास बोल सकते हैं, इसका जो कंसोल है उसको पूरी तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, आपने जो भी नई पॉलिसीज बनाई हैं या नए टास्क को शेड्यूल कर सकते हैं, कौन से सिस्टम पे टास्क को रन करना है, स्टॉप करना है, इस तरीके से, क्योंकि एक पूरी तरीके से प्री कॉन्फ सिस्टम्स है। आपका जो मिनिमम इंटरप्शन जो स्पीड है उसका यूज करके आप अपने जो जितने भी टास्क हैं या जितने भी शेड्यूल्स हैं उनको आप इजीली यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं एजाइल सिक्योरिटी। एजाइल सिक्योरिटी में हम देखते हैं कि ये किसी भी प्रकार का जो IT एनवायरनमेंट है या किसी भी प्रकार के टैक्टिक्स है उसमें ये काम करने के लिए पूरी तरीके से फ्री है। इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है। इसके साथ ही ये करंट जो जनरेशन्स है और जो नेक्स्ट जनरेशन्स है उसको आपस में इंटीग्रेट करता है। साथ ही इसका जो एंड पॉइंट डिटेक्शन और रिस्पॉन्स सिस्टम्स है वो बहुत ही आसानी से साइबर जो टास्क है और उनको एनालिसिस करने में, उनको खोजने में अच्छी तरीके से इसको यहाँ पे कैपेबल है। इसके बाद आते हैं हम जो इसका जो ब्रॉड लेवल फीचर्स हैं, अगर हम बात करते हैं क्लाउड इनेबल एंड पॉइंट कंट्रोल्स की। दोस्तों, आजकल सभी जो एंटीवायरस कंसोल हैं आप या कोई सा भी एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं जो सिक्योरिटी सिस्टम्स में, तो सभी क्लाउड बेस्ड हैं। जो इसके फीचर्स देखेंगे, एप्लीकेशन कंट्रोल में आपको जो इसका यूज़ करके आप किसी भी एप्लीकेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वैसे तो जो सिस्टम्स की एप्लीकेशन होती हैं वो, बट अगर कोई आपको सस्पिशियस एप्लीकेशन लगती है तो सिस्टम उसको वहाँ से बाय डिफॉल्ट इसको प्रिवेंट कर देता है। इसके बाद आते हैं इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, डायनामिक वाइट लिस्टिंग।
इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिवाइस कंट्रोल। डिवाइस कंट्रोल की जो फैसिलिटीज़ हैं वो आजकल हर एंटीवायरस में दी जाती है, और उसके द्वारा हम जो भी जितने भी यूज़र्स हैं, एम्प्लॉय हैं, उनके जो डेटा है उसको हम सिक्योर कर सकते हैं। पेन ड्राइव, पर्सनल डिवाइस या जो जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेज हैं उनको हम यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही सिस्टम्स का लॉगिन टाइम और जो शेड्यूल टाइम है हम उसको यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि और साथ ही हम यह कर सकते हैं कि कितने टाइम पे सिस्टम लॉगिन रखना है, कितने टाइम के उसको बंद करना है, ताकि इसे कोई अनऑथोराइज यूज ना हो। साथ ही इसका जो डेटा स्टोरेज है और इसकी जितनी भी जो एक्सटर्नल डिवाइसेज, जैसे हमने बताया कि USB है या एडिशनल हार्ड डिस्क है, इन सबको ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं होस्ट इंट्रूजन प्रिवेंशन। हम देखते हैं कि जो हमारा सिक्योर डेटा होता है, रिकॉर्डिंग सिस्टम्स होते हैं, किसी भी अनऑथराइज एक्सेस की पहुंच में न रहें, अगर होता है तो वो एक तरीके से सुरक्षित रहें और एक लिमिटेड या ऑथराइज एप्लीकेशंस का यूज ही कर पाए। तो इन सब की जो फैसिलिटीज है या इन सब का जो कंट्रोल और मॉनिटरिंग है, हम इसको क्लाउड के थ्रू या क्लाउड पर रहकर भी इसको कर सकते हैं। तो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। अगर आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसको एटलीस्ट एक बार इसको यूज़ करके देखिएगा। इसका जो सब्सक्रिप्शन है, आप इसका जो वैलिडिटी है 20th December तक ही है, ये एक साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको टोटल जो सब्सक्रिप्शन है वो 18th month का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और अगर आप 2 साल के लिए इसको पे करते हैं तो आपको टोटल ये यहाँ पे 1 ईयर फ्री, मतलब टोटल जो है 3 ईयर्स के लिए आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। और इसकी जो वेबसाइट्स हैं, जो लिंक है इसका है, वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।